हाय गाइज, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ठीक होंगे। अनीता देसी स्टाइल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रहे हैं हम खरोड़े। ये खरोड़े हैं, अब ये गर्म पानी से हम इनको साफ करेंगे। देखिए, इसके बाद बनाने की तैयारी करते हैं। गैस जला हुआ कुकर रख लिया, इसमें तेल गरम होने देंगे। ये हमने प्याज लेनी है, मैंने 3 प्याज लिए, प्याज कट करके कर लिए हैं। इन्हें डालनी है जी 2 हरी इलायची, जीरा, इनको हम ऐड करेंगे। पहले डालेंगे हम प्याज, नहीं पहले डालेंगे हम मसाले। इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद डालेंगे प्याज। अब हम इनको प्याज को अच्छी तरह से भून, अभी थोड़ी सी भून। प्याज हमारी भुन चुके हैं, इसमें हम डालेंगे मसाले, ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। ये हमने ऐड कर दिए हैं, अब हम इसको और इसके बाद डालेंगे लहसुन का पाउडर 1/2 चम्मच। अब हम इसको धीरे धीरे चला लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ऐसे हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा, आधे कप। और इसको धीरे धीरे चलाएंगे, मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। 10-5 मिनट तक हम मसाले भून लेंगे, अच्छे से पकाएंगे। ये बिल्कुल साफ हो गए, मैंने धो के साफ कर लिया अच्छी तरह से। 3-4 बार मैंने पानी में निकाल लिए थे और ये साफ हो गए। और हम अब सब्जी में मसाला पक चुका है, अब उसमें हम ऐड करेंगे। देखो मसाला पक चुका है, अब हम इसमें पाय डालेंगे। मसाले में मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे और इनको मिक्स कर देंगे। ये ऐसी आपको बहुत पसंद आएगी। आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नए ऐसे वीडियो से लाइक करना। आप भी घर पर बनाना इसको, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आराम से 1 घंटा बनेगी, दबा दो 1 घंटा, दबा दो 15 सीटी।
आधा चम्मच डाल अब हम इनको थोड़ी देर मसाले में भून लेंगे। पानी तीन चार मैं इसमें अब दो तीन गिलास पानी डाल रही हूँ। आप इसमें कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये वैसे सूखे नहीं बनते हैं, तरी ही दाल बनते हैं। इनका सूप भी बनाया जाता है। अब मैंने इसमें तीन गिलास पानी ऐड कर दिया है और अब इसे हम आधा से पौन घंटा हम पकाएंगे। पंद्रह सीटी हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद हम फिर दिखाएंगे। अब हमारी सब्जी बनकर, अब हमने सब्जी को कुकर को गैस पर से उतार लिया है और अब हम चेक करेंगे बनी है या नहीं बनी है। अब हम कुकर खोलते हैं, अब हम चला के देखेंगे। अब हमारे खरोड़े बन के तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे अब हम इसको प्लेट में खड़ोड़े बन के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये गल चुके हैं। देखो आप भी इसको बना के ट्राई करना, बहुत टेस्टी होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। मेरी सब्ज़ी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।